जी अभी हमें भी बस 15-20 मिनट पहले ही सूचित किया गया है, फोन पे ही सूचना आई कि इस तरीके से यहाँ आग लगी हुई, तो हम लोग तुरंत ही फायर के लोग, पुलिस के लोग और प्रशासन के सभी लोग तुरंत यहाँ उपस्थित हुए और पूरा प्रयास किया जा रहा है इसको कंट्रोल करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिहायशी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही, तो हमारा पहला प्रयास यही है कि इधर रिहायशी क्षेत्रों में किसी तरीके से इस लपट ना बढ़े, तो इधर ही फायर टेंडर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने अभी और फायर टेंडर मूव करा लिए हैं, शामली से भी, मुजफ्फरनगर से भी और लोकल में जितने भी जहाँ भी जल निगम से जो भी है, करीब 5-6 फायर टेंडर्स हमारे अभी मूवमेंट में हैं जो कि हमारे पास आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। क्या कारण? देखिए कारण हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी किसी को भी ये नहीं पता है कि कैसे लग गई। ये लकड़ी की पूरी टाल है, लकड़ी काफ़ी इकट्ठा सूखी लकड़ी रखी थी, किस तरह से लगी ये स्पष्ट अभी नहीं है। बराबर में लोगों के घर भी हैं, कुछ लोगों के घर में दीवार में तरेड़ भी आई है, उसको लेकर इनको बिल्कुल, हम लोगों ने भी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही थी कि हम घरों से लोगों को रेस्क्यू कर लें, सबको बाहर निकाल दिया गया है जो आसपास के नियर बाई घर हैं, और इनके घरों में जो सिलेंडर्स हैं LPG और जो गाड़ी बाइक अगर खड़ी थी तो वो सब बाहर कर दिया गया है। पूरी तरीके से पहले इनको रेस्क्यू किया गया है, पूरी प्रायोरिटी यही है। अभी तक किसी के जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और ऐसा है भी नहीं, हमने पूरा रेस्क्यू किया हुआ है। जी आपका नाम? राहुल कश्यप, मैं क्षेत्र का ही निवासी हूँ। क्या कारण आग लगी और कब से लगी? आग लगने का कारण ये होता है भैया, हर बार पेपर मिल खुद आग लगाता है, ठीक है, और क्षेत्र में इतना अपना प्रभाव इसने बना रखा है, दबाव बना रखा है, कोई भी बोलता है पेपर मिल के खिलाफ उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, बाहर से गुंडे बुलाकर उनको पिटवाया जाता है, मरवाया जाता है। एक सरदार सिंह पेपर मिल के जो मेन हेड है, आईजे सिंह, प्रदीप चौधरी, ठीक है, और कई गुंडे किस्म के लोग इस पेपर मिल में अधिकारी बने बैठे हैं, जो मजदूरों को, अगर किसी मजदूर ने अपने पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश करी उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर, चोरी का इल्जाम लगाकर उसको घर बिठा दिया जाता है, और वो भूखा मरने के आधार पर बेचारा अपना किसी तरह भीख मांगकर जीवन का पालन पोषण करता है, अपने परिवार को पालता है, मगर यहाँ के नेता ना कोई पेपर मिल का अधिकारी, ना कोई प्रशासन क्षेत्र के लोगों के साथ कोई भी आश्वासन, सिर्फ झूठा आश्वासन देकर, इन लोगों को झूठे लुभावने देकर चले जाते हैं, कोई आज तक उनका कोई समाधान नहीं हो पाता। नगर निगम और हमारा PPWD कुछ भी सड़कें बनवाता है उसके, ये देखिए अभी कई दिनों से चूना उठाया जा रहा है, चूना गर्मियों के टाइम पे इतना उड़ता है, ठीक है, और अभी आग लग रही है, देखो कितना भयंकर आग लगी है, कई घर जले पड़े हैं, लोग बेघर हो चुके हैं यहाँ पे, मगर पेपर मिल का कोई अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा है। ADM जिला प्रशासन आया हुआ है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद किया जाएगा, हम उनके आभारी है, पूरा क्षेत्रों का आभारी है, मगर पेपर मिल का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, चाहे आप देख भी सकते हैं, और झूठे मुकदमे लगवा दिए जाते हैं, गुंडे से पिटवाया जाता है, मगर यहाँ के लोग पेपर मिल इतना शोषण मजदूरों का करता है कि इसकी भरपाई करना किसी भी हाल में असंभव है। ठीक है।